नमस्ते दोस्तों, अनिरा गिटार ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे वो एक ब्लूज एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज नंबर 2 है। चलिए एक बार देख लेते हैं एक्सरसाइज क्या है। चलिए एक बार देख लेते हैं इस लिक्स में मैंने क्या बजाया है। ये दोनों लीक्स है ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल के ऊपर है, जो ई फॉर्म और जी फॉर्म को कवर करते हैं। एक बार मैंने ई फॉर्म को बजा लेते हैं। ई फॉर्म और जी फॉर्म, तो फास्ट जो लेसन स्टार्ट होता है देखिए क्या है। एक बार मैं स्लो स्लो से एक बार मैं बजा लेता हूं। चलिए अब इसको डिटेल्स में देखते हैं। पहले है ई फॉर्म, मैंने बता दिया ए माइनर के ऊपर है। फास्ट फिंगर जाएगा फास्ट स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड, और आपका जो मैं इसको बजाता हूं थर्ड फिंगर से, मतलब 8 फ्रेटबोर्ड हेवन पुल अप होगा। तो आप इसको अगर इसको आपको प्रॉब्लम होता है स्ट्रेच करने से, तो आप इसको फोर्थ फिंगर से भी बजा सकते हो, मतलब ठीक है। तो क्या हुआ, फास्ट फिंगर फास्ट स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड और 8 फ्रेटबोर्ड में हैमर ऑन पुल ऑफ होगा, हैमर ऑन पुल ऑफ। उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग 8, सेकंड स्ट्रिंग फिफ्थ, और थर्ड स्ट्रिंग 7, थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ। तो पहला जो पार्ट है वो है हो गया। उसके बाद आएगा फास्ट फिंगर जाएगा फास्ट स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड, फोर्थ फिंगर आएगा सेकेंड स्ट्रिंग 8 फ्रेटबोर्ड, फर्स्ट फिंगर आएगा सेकेंड स्ट्रिंग 5th फ्रेटबोर्ड, थर्ड फिंगर आएगा थर्ड स्ट्रिंग 7th फ्रेटबोर्ड, फर्स्ट फिंगर आएगा थर्ड स्ट्रिंग 5th फ्रेटबोर्ड, थर्ड फिंगर आएगा फोर्थ स्ट्रिंग 7th फ्रेटबोर्ड। तो क्या हुआ देखिए एक बार, फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया एक पूरा सर्किल। सेकेंड सर्कल में क्या आता है, सेम टेक्निक यूज होगा। सेकेंड स्ट्रिंग से अब ये स्टार्ट होगा, सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर जाएगा फिफ्थ फ्रेटबोर्ड, और फोर्थ फिंगर जाएगा सेकेंड स्ट्रिंग 8th फ्रेटबोर्ड, सेम हैमर ऑन पुल ऑफ। फिफ्थ से अगर 8 हैमर ऑन, देन 8 से फिर से फिफ्थ वापिस। उसके बाद थर्ड फिंगर जाएगा थर्ड स्ट्रिंग 7th फ्रेटबोर्ड, फर्स्ट फिंगर जाएगा थर्ड स्ट्रिंग 5th फ्रेटबोर्ड। उसके बाद फिर से आएगा थर्ड फिंगर आएगा फोर्थ स्ट्रिंग 7th फ्रेटबोर्ड, उसके बाद फर्स्ट फिंगर आएगा फोर्थ स्ट्रिंग 5th फ्रेटबोर्ड। तो क्या हुआ इस पार्ट, उसके बाद फर्स्ट फिंगर आएगा सेकेंड स्ट्रिंग 5th फ्रेटबोर्ड, थर्ड फिंगर आएगा थर्ड स्ट्रिंग 7th फ्रेटबोर्ड, फर्स्ट फिंगर आएगा थर्ड स्ट्रिंग 5th फ्रेटबोर्ड, थर्ड फिंगर आएगा फोर्थ स्ट्रिंग 7th फ्रेटबोर्ड, फर्स्ट फिंगर आएगा फोर्थ स्ट्रिंग 5th फ्रेटबोर्ड, और थर्ड फिंगर आएगा फोर्थ स्ट्रिंग 7th फ्रेटबोर्ड। तो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट सेम टेक्निक। थर्ड में क्या आएगा, थर्ड स्ट्रिंग से अब हैमर ऑन पुल ऑफ होगा, फर्स्ट फिंगर आएगा थर्ड स्ट्रिंग 5th फ्रेटबोर्ड, और थर्ड फिंगर जाएगा थर्ड स्ट्रिंग 7th, पहले हैमर ऑन उसके बाद पुल ऑफ, उसके बाद थर्ड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग 7th, फर्स्ट फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग 5th, थर्ड फिंगर फिर से 5th स्ट्रिंग 7th, फर्स्ट फिंगर आएगा 5th स्ट्रिंग 5th। तो क्या हुआ इस पार्ट को,
उसके बाद फर्स्ट फिंगर फिर से थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ, थर्ड फिंगर आएगा फोर्थ स्ट्रिंग सेवेंथ, फर्स्ट फिंगर आएगा फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ, थर्ड फिंगर आएगा फिफ्थ स्ट्रिंग सेवेंथ, फर्स्ट फिंगर आएगा फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ और फोर्थ फिंगर आएगा सिक्स स्ट्रिंग एट, उसके बाद ए माइनर कॉर्ड। तो थर्ड वाला जो पार्ट एक बार देख लेते हैं, बहुत ही कूल लिक्स है, इसको आप धीमे से एकदम प्रैक्टिस कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए, फास्ट बजाने की कोशिश भी मत कीजिए, इसको आप एकदम धीमे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक बार फिर से शुरुआत से इसको देख लेते हैं एकदम स्लोली। पहले फर्स्ट फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है, एकदम स्लोली में, सॉरी, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, अब हम देखेंगे लीक नंबर टू क्या है। फर्स्ट फिंगर आएगा थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेटबोर्ड, फोर्थ फिंगर आएगा थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड, फर्स्ट फिंगर आएगा सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेटबोर्ड, थर्ड फिंगर आएगा सेकंड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड, फर्स्ट फिंगर आएगा फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेटबोर्ड और थर्ड फिंगर आएगा फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड, इसमें हैमोंड पुल अप होगा। ये उसके बाद थर्ड फिंगर आएगा सेकंड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड और फर्स्ट फिंगर आएगा सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेटबोर्ड, इसमें पुल ऑफ होगा। उसके बाद फोर्थ फिंगर आएगा थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड, हो गया। देखिए एक बार अभी हैमर पुल ऑफ, सिंपल पुल ऑफ सेकंड स्ट्रिंग में, हो गया। उसके बाद और एक छोटा पार्ट है बाकी है। तो फर्स्ट फिंगर आएगा सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेटबोर्ड और सेकंड फिंगर आएगा सेकंड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेटबोर्ड में हैमर पुल ऑफ, एक ब्लूज नोट है। फिर से देखिए फर्स्ट फिंगर थर्ड सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेटबोर्ड और सेकंड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेटबोर्ड हैमोंड पुल ऑफ। उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड फोर्थ फिंगर और फर्स्ट फिंगर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेटबोर्ड पुल ऑफ। उसके बाद थर्ड फिंगर को आप एक थोड़ा स्ट्रेच करके इधर पे ले जाइए, क्योंकि एक पार्ट है छोटा वाला पार्ट, उसको आप करना ही पड़ेगा। फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड, उसके बाद इस थर्ड फिंगर को ही आप ऐसे ऐसे करके सुला दीजिए इसको, थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड। तो क्या हुआ इस ब्लू लिख से देखिए, फर्स्ट फिंगर थर्ड फ्रेटबोर्ड सेकंड स्ट्रिंग हैमोंड पुल ऑफ, उसके बाद पुल ऑफ फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड और सेकंड फ्रेटबोर्ड में थर्ड स्ट्रिंग में पुल ऑफ, थर्ड फिंगर आएगा आपको फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड, इसको अब सुला दीजिए, इससे ये आ जाएगा थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड ए माइनर। ए वाला लीक को एक बार देख लीजिए स्लो में, दोस्तों ये हो गया हमारा जो ब्लूज और पेनाटोनिक के ऊपर जो एक लीक था, दोनों लीक, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव लीक है। आप इसको खुद का जो कॉम्पोजिशन में इसको थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करके इसको डाल सकते हो, आप इसको बहुत ही अच्छे से इसको बजाइए। अगर आप वीडियो में कुछ बोलना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
अगर आपको कोई लेसन चाहिए, कोई भी कुछ चाहिए, मैं कोशिश करूंगा मेरी तरह से मैं आपको पूरा 100% दे सकूं। मेरा जो म्यूजिकल नॉलेज है बहुत ही सीमित है, तो उससे ही मैं आपको देता हूँ जो भी मेरा पास नॉलेज है। अगर इस वीडियो को आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।